नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज किचन। आज आपके साथ शेयर करते हैं मिलेट की एक रेसिपी। हमारे यहाँ 8 से 10 टाइप का मिलेट पाया जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही टाइप का मिलेट के साथ काम करने का मौका मिला है, एक फिंगर मिलेट्स और एक फॉक्सटेल मिलेट्स। फिंगर मिलेट्स ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में आता है, इसे आप केक, कुकीज़, डोसा, चीला ये सब बना सकते हैं। और ये जो फॉक्सटेल मिलेट्स है, ये देखने में कुछ हद तक छोटा छोटा राइस की तरह होता है। इसे आप वेरियस टाइप का राइस जैसे कर्ड राइस, लेमन राइस, टोमाटो राइस ये सब बना सकते हैं। और उपमा ये तो बहुत बढ़िया बनता है, खीर भी लाजवाब बनता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मिलेट खीर की रेसिपी। बनाते हैं ये फॉक्सटेल मिलेट से खीर। मिलेट खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है फॉक्सटेल मिलेट। ये मिलेट एकदम छोटा छोटा चावल जैसा ही दिखता है, वैसा ही इसका काम भी वैसा ही है। तो चलिए आज बनाते हैं ये फॉक्सटेल मिलेट से खीर। मिलेट खीर बनाने के लिए मैं यहाँ से लूँगी 4 टेबलस्पून मिलेट। पहले हम इसे अच्छी तरह से धोएंगे, जैसे हम चावल धोते हैं उसी तरह से हम मिलेट को भी धो लेंगे। मिलेट धो के पानी इधर उधर ना फेंक के अगर गमले में डालते हैं तो पौधों को भी पानी मिल गया और हमारा मिलेट का भी धोना हो गया। मिलेट हम अच्छी तरह से धो लिए हैं, अब इसे हम भिगो के रखेंगे 5 से 6 घंटे तक। इतना पानी डालें कि ये मिलेट डूब जाए। मिलेट सोख होते रहे तब तक हम मिलते हैं आपको 5 से 6 घंटे बाद। इन 5 से 6 घंटे में मिलेट भी हल्का सा फूल गया है, तो अब हम मिलेट का सारा पानी निकाल देंगे और इसे एक छालनी में डाल देंगे, पानी जैसे कि इसका सारा निकल जाए। 5-10 मिनट के लिए हम इस छलनी में ही मिलेट को छोड़ देंगे। 5-10 मिनट मिलेट छलनी में रहने के बाद हम इसे एक सूखे कपड़े में डाल देंगे और इसे सूखे कपड़े के ऊपर अच्छी तरह फैला देंगे। अब इस कपड़े को फोल्ड करके हल्का सा प्रेस करते हुए मिलेट को हम सुखा लेंगे। अब इसे कुछ देर पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये जो भी पानी इसमें अभी भी बचा है वो सूख जाए। मिलेट लगभग सूख चुका है, तो इस मिलेट को हम इस कपड़े के ऊपर से एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। ये धोकर सुखाया हुआ मिलेट को हम अब घी रोस्ट करेंगे। आज मेरा मन करा बाहर बैठ के शूट करने का, इसलिए मैं इंडक्शन में ये बाहर में बैठ के आज का रेसिपी बनाऊंगी। पैन गरम हो गया है, पैन में डालती हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी और मैंने अब टेम्परेचर को एकदम लो कर दिया है ताकि घी जल ना जाए, धीरे धीरे ये घी मेल्ट हो।
घी मेल्ट हो गया है। अब इस मेल्टेड घी में डालते हैं एक तेज पत्ता, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, दो लौंग और दो इलायची। ये गरम मसाला अगर आप घी में रोस्ट करते हैं तो इससे बहुत अच्छा खुशबू आती है। इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे जैसा कि इनका खुशबू घी में एब्जॉर्ब हो जाए। ये गरम मसाला भून चुका है और बढ़िया सा खुशबू भी आ रहा है। अब इसमें डालते हैं मिलेट। मिलेट को हम फ्राई करेंगे इसके जब तक ब्राउन कलर, हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। घी और गरम मसाला के साथ जो ये मिलेट फ्राई हो रहा है, इसका जो खुशबू आ रहा है, चारों तरफ इसका खुशबू फैल रहा है। बहुत ही लाजवाब इसका खुशबू है। आप देख सकते हैं कि मिलेट फ्राई होते होते हल्का सा ब्राउन कलर इसमें आ गया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे दूध। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध यूज़ किया है। ये पहले से बॉयल करके ठंडा किया हुआ है। यहाँ मैंने नॉर्मल दूध का ही यूज़ किया है। सभी को मिला लेते हैं और एक उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। मैंने इंडक्शन का टेम्परेचर को पूरा हाई कर दिया है, 1000 में रखा है, ताकि इसमें उबाल जल्दी से आ जाए। खीर में उबाल आ गया है और हम इन्हें थोड़ा चला लेते हैं, फिर इसे ढक देंगे लो फ्लेम करके। मिलेट खीर बनाना कोई भारी काम नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है इसे बनाना। जैसे हम चावल का खीर बनाते हैं, उसी प्रोसेस से हम मिलेट का भी खीर बनाते हैं। तो चलिए एकदम लो फ्लेम करके हम इसे ढक देते हैं। इंडक्शन का टेम्परेचर को मैंने एकदम लो रखा है, फिर भी अब ढक्कन खोल के बीच बीच में चलाते रहिए और चेक करते रहिए, ताकि ये मिलेट या खीर कुछ भी नीचे से जल ना जाए। 2 दिन बाद शिवरात्रि है। शिवरात्रि में भी आप चावल का खीर ना बना के मिलेट का खीर बना के खा सकते हैं। व्रत के अवसर हो या रेगुलर भी आप ये मिलेट का खीर बना सकते हैं। एकदम चावल का खीर जैसा ही टेस्ट आता है इस मिलेट का खीर में। ये मिलेट फूल के गाढ़ा भी होने लगा है, तो हम देखते हैं कि ये मिलेट का कितना परसेंट ये नरम हुआ है। देखिए बहुत सुंदर ये मिलेट नरम हो गया है। अब इसमें कुछ दूसरा भी प्रोसेस करना है, वो सारा करते हैं। खीर में डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसलिए खीर को हटा के साइड में रखे हैं और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के लिए एक छोटा सा पैन चढ़ा दिया है और इसमें डालते हैं 1/2 टेबल स्पून घी। घी बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए टेम्परेचर को मैंने एकदम लो कर दिया है, 400 कर दिया है टेम्परेचर को। घी मेल्ट हो गया है, इसमें डालेंगे ये सारे ड्राई फ्रूट्स, कुछ काजू, कुछ आमंड, कुछ पिस्ता, सभी को हमने छोटा छोटा पीस कर लिया है। पहले हम इन्हें फ्राई करते हैं, फिर बाद में हम किशमिश को फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स लगभग फ्राई होने को आया है। अब हम इसके साथ मिला लेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, एकदम लास्ट में मिलाना ही सही होता है। ये थोड़ा लिया है ब्लैक रेजिंस, इसे भी हम मिला लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गया है, अब इसे हटा के रखते हैं साइड में और ये खीर को इंडक्शन में चढ़ा देते हैं। इन्हें फिर से हम कुछ देर के लिए ढक के छोड़ देंगे लो फ्लेम करके। 5-10 मिनट ये खीर कुक होने से
ये थोड़ा सूख भी गया है और अब हम इसमें मिलाएंगे ये फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स। अब इसमें हम मिलाएंगे ये कॉन्डेंस मिल्क। यहाँ 5 टेबलस्पून कॉन्डेंस मिल्क मैंने मिलाया है। इससे खीर में थोड़ा गाढ़ापन भी आएगा और मिठास भी आएगा। सभी को अच्छी तरह मिला लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा पकने देते हैं ताकि ये ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा नरम हो जाए। खीर खाते वक्त ड्राई फ्रूट्स मुँह में आए और ये हार्ड ना लगे, इसलिए मैं खीर के साथ ड्राई फ्रूट्स को 5-10 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ। साथ ही में हम स्वीटनर के लिए इसमें मिला लेते हैं बताशा। ये गुड़ से बना हुआ होता है और इससे खीर में एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हम तो इसे बताशा बोलते हैं, लेकिन किस जगह पे इसे किस नाम से पुकारा जाता है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं यहाँ 7-8 बताशा डाल रही हूँ। इस 5-10 मिनट कुक होते होते ड्राई फ्रूट्स भी नरम हो जाएगा और ये बताशा भी गल जाएगा। 10 मिनट बाद ढक्कन खोल के देखते हैं ये मिलेट खीर किस कंडीशन में है। बढ़िया सा मिलेट खीर बनके रेडी है, एकदम परफेक्टली सब कुक हो गया है। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम इसे नहीं बनाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अपने से गाढ़ा बन जाएगा। और इसमें थोड़ा फ्लेवर फ्रूट बनाने के लिए मिलाते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को भी मिक्स करते हैं मिलेट खीर के साथ। हो गया हमारा मिलेट खीर रेडी, तो इसे अब सर्व करने की बारी है। खीर सर्व कर लिए हैं, बट इसे थोड़ा डेकोरेट भी करना है, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट करते हैं। आप सबके लिए ये मिलेट खीर मैंने सर्व कर लिया है। बहुत आसान, इजी और हेल्दी ये मिलेट खीर आप भी बना के खाइए। शिवरात्रि आने वाली है, इस अवसर पर और कोई भी व्रत के अवसर पर आप इसे बना के खा सकते हैं।